यार देखो, आई नो मैंने तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस लटका के रखे हैं, लगभग 4, जैसे कि लूफी का ट्रू ड्रीम हो गया, काइडो के कैरेक्टर को लेके हो गया, फाइनल सागा पार्ट 2 थ्योरी, और हाँ फ्लोरियन ट्रायंगल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखो यार, ये जो वीडियोस मैंने बहुत टाइम से लटका के रखे हैं पर वो वीडियोस नहीं आ रहे, तो थोड़ा समझो उस पर काम चल रहा है। और हाँ, जो लोग थ्योरीज की बात करते हैं उन सबको अच्छे से पता है कि थ्योरीज बनाना मजाक का खेल नहीं है। वो बात अलग है कि अगर मैं रेडिट या किसी यूट्यूबर का छापने बोलूं तो वो फटाफट 1-2 दिन में बन जाता है, लेकिन फिर भी यार खुद की कोई थ्योरी बना रहे हो तो तुमको उस बारे में लेकर के खोजबीन करना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है कोई भी थ्योरी को बनाने में, और मेहनत लगती है तभी जाकर के वीडियो अच्छी बनती है, वरना कोई भी चुतिया बन जाता है। और एक और चीज तुम देखना, मैंने जो 4 वीडियोस के नाम लिए उनमें से 3 तो थ्योरी वीडियोस हैं और एक कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो, और कैरेक्टर एनालिसिस में तो बहुत ज्यादा गंदा पिटता हूं मैं, जिस पर मैं क्या ही बोलूं, लेकिन हाँ वो जो बाकी के 3 वीडियोस हैं उनमें बहुत मेहनत लगेगा, और कैरेक्टर एनालिसिस में तो यार उन तीनों का मिला के एक वीडियो पे मेहनत लगेगा। हाँ, इस वजह से देरी हो रहा है, तो उस चीज को थोड़ा समझो, और बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रहता है यार, मेरा चैनल है, मैं जो डालूंगा मुझे याद रहता है, मैं क्या डालना चाहता हूं और मैं क्या थ्योरी बना रहा हूं वो सब चीज मुझे याद रहता है, मैं नहीं भूलता हूं, तो बार बार याद दिलाना मत। खैर, आज के वीडियो का टॉपिक है लाइव एक्शन को लेकर। अब देखो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज धारणा बैठ के रखी है, लाइव एक्शन मतलब चूतिया, इनको मैं क्या ही बोलूं। वैसे इतिहास भी बहुत ही ज्यादा खराब है नेटफ्लिक्स का। हाँ, रूरोनी केंशिन वाली सीरीज थोड़ी अच्छी थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं है, मतलब जिस लेवल का रूरोनी केंशिन का एनिमे या फिर मांगा है भाई, उसकी मूवी में तो बहुत सारी चीजें अडेप्ट नहीं की गई है। बट हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा उस मूवी सीरीज को देखे तो उसको वो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर किसी ने उसका एनिमे या मांगा रीड कर रखा है उसको वो सीरीज ज्यादा खास नहीं लगे। मेरे को वो सीरीज अच्छी लगती है, उसकी मूवी भी ठीक ठाक लगती है, मैं उसमें कॉमेडी को मिस करता हूँ जो मुझे जो उसकी एनिमे सीरीज या मांगा सीरीज में देखने को मिलती है। खैर, इसके अलावा बात करूँ तो इन लोगों ने काउबॉय बीबॉप को भी बनाया था, पर वो जो है बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी, बहुत सारे लोगों को चुतिया लगी। जैसे कि मैंने पहले बोला, एनिमे और मांगा रीडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन लाइव एक्शन वॉचर को बहुत अच्छा लगेगा। बट जब बात करते हैं वन पीस की, तो भाई देखो, वन पीस नो डाउट इसका मांगा एक मास्टरपीस है, इसका एनिमे का अलग लेवल का फैन बेस है। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यू जनरेशन का, क्या मतलब भाई लाइव एक्शन आ रहा है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग लाइव एक्शन नहीं देखना पसंद करते, मेरी भी कम उम्मीदें हैं, पर ऐसा नहीं कि मैं उम्मीद नहीं लगा रहा, बिकॉज इसमें ओडा इन्वॉल्व है, मतलब ये समझो नेटफ्लिक्स भले ही बना रहा है पर ओडा भी प्रोड्यूसर है इसका, उसने भी अपने पैसे अपने जेब से डाले हैं, तो इस वजह से हम उम्मीद रख सकते हैं ये सीरीज अच्छी होगी। पर अपडेट का क्या, जैसा तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा है कि मैं लाइव एक्शन को लेकर कुछ अपडेट दूंगा, तो देखो आज से 2 हफ्ते पहले इन लोगों ने क्या किया, नेटफ्लिक्स वालों ने लाइव एक्शन का जो सेट है उसको दिखाया, इन लोगों ने साउथ अफ्रीका में कहीं पे इसको बनाया है और वहां पर शूटिंग चल रही है, और जिस हिसाब का सेट दिखाया है लग रहा है कि अच्छा बनेगा। अगर तुम खासकर वन पीस का बना रहे हो ना भाई, देखो इसमें VFX और CGI पूरा एकदम बहुत ज्यादा खर्चा होगा, पैसा तो पानी की तरह बहने वाला है, और अभी तो शुरुआत है। ईस्ट ब्लू सागा, जो पहला जो सागा आता है वन पीस का, जिसमें हमें नामी, उसॉप, रॉबिन, लूफी इन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यहाँ पे चॉपर नहीं है, रॉबिन नहीं है, फ्रैंकी नहीं है, ब्रूक नहीं है, ये कैरेक्टर सभी आए नहीं है। खासकर तो जब चॉपर का एंट्री होगा ना, उस वक्त तो CGI और VFX का बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, लेकिन उतना पहले आने तो दो। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं ईस्ट ब्लू सागा की। देखो अभी बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये कहने लगेंगे कि भाई तुमने कैरेक्टर्स के जो लाइव एक्शन कास्ट है उसके बारे में नहीं बताया। देखो वीडियो के एंड में मैंने जितने भी कास्ट जो है रिवील हुए हैं, चाहे सैंक्स का हो या फिर बगी से लेके जितने भी कैरेक्टर्स का कास्ट अभी तक रिवील हुए हैं, उन सब के तुमको जो है देखने को मिल जाएगा वीडियो के एंड में। और हाँ, रॉबिन को लेके कोई अफवाह फैला रहा था कि रॉबिन का भी कास्ट कोई रिवील हुआ, वो मेरे को नहीं लगता कि वो 100% सही है, वो किसी ने जानबूझ के फैला दिया। जैसे कुछ लोग, क्या मैं भी चाहता था यार कि जॉनी डेप सैंक्स या रॉजर का कैरेक्टर निभाए, पर वो हमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो बंदा ही आकर के अकेले 100 करोड़ से 200 करोड़ अकेले ही मार के ले जाएगा, और हम सबको पता है यार ऑलरेडी ओडा का फैन बेस इतना ज्यादा है, लाइव एक्शन लोग जरूर देखेंगे, भले ही टेलीग्राम से डाउनलोड करके देखे या वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके देखे, लेकिन देखेंगे जरूर। खैर, बात करते हैं सेट्स की। तो देखो आज से 2 हफ्ते पहले नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव एक्शन के सेट के जो भी सिप्स वगैरह हैं या फिर जो कुछ भी कह लो, उन सब चीज़ों को जो है रिवील किया, अपने चैनल पर डाला। तो यहाँ पर देखो मेरा एक शिकायत है भाई, गोइंग मैरी का जो हेड है, जहाँ पे लूफी जाके बैठे रहता है, उसका मुंह खुला हुआ रखने का क्या जरूरत था यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे को इस चीज़ का शिकायत रहेगा, क्योंकि
हम सबको पता है यार, एनिस लॉबी के बाद जब गोइंग मैरी की मौत होती है तो हमें वो सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा था, पर ये शक्ल देख के साला इमोशनल लगेगा कि नहीं लगेगा मैं वो सोच रहा हूँ। इन लोगों ने जिस हिसाब से गोइंग मैरी को बनाया है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी थाउजेंड से नहीं आ जाए, मुझे नहीं देखने का मन कर रहा है। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, मेरा फेवरेट जो सिप लगा मुझे बैराटी आर्क वाला, जहाँ पर सांजी का इंट्रोडक्शन होता है। और हाँ, एल्बिडा का सिप भी बहुत मस्त बनाया है, मतलब हाँ एल्बिडा की एंट्री में भी हमें बोर नहीं लगेगा। इससे पहले कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछना शुरू कर दो कि भाई ये लाइव एक्शन कहाँ से कहाँ एपिसोड तक को अडेप्ट करेगी, उसका जवाब मैं देता हूँ। देखो, जिस हिसाब से सेट्स दिखाए गए हैं और जिस हिसाब से कास्ट भी रिवील किए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है ये ईस्ट ब्लू सागा को पूरी तरह से कवर करेगी। लॉकडाउन आर्क का मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है आर्लोंग पार्क तक हमें जरूर देखने को मिलेगा, और आई होप कि हमें लॉकडाउन आर्क भी देखने को मिल जाए। उसके बाद जाकर के रिवर्स माउंटेन में शायद खत्म कर दे, और उसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आएगा वहां पर हो सकता है रिवर्स माउंटेन के बाद की स्टोरी दिखाई जाए एलाबास्टा आर्क के एंड तक, और इस हिसाब से शायद इन लोगों ने भी प्लान किया होगा। साथ ही साथ अगर तुम मेरे से पूछने वाले हो कि ये सीरीज कब रिलीज होगी, तो देखो फिलहाल अभी तक इन लोगों ने सेट बनाया, शूटिंग नहीं किया, VFX वगैरह CGI वगैरह इन सब का कुछ काम किया नहीं है। भाई शूट होगा तभी तो ये सब काम होगा, तो हाँ अभी टाइम लगेगा। और कितना टाइम लग सकता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल तो ये सीरीज नहीं आने वाली, नेक्स्ट ईयर पक्का ये सीरीज आने वाली है। और उस वक्त तक मेरे कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, शायद 20,000-25,000, पता नहीं कितने होते हैं, देखना पड़ेगा। खैर, जिस हिसाब से वन पीस का लोगो बनाया है वो तो देखने में मेरे को बहुत ज़्यादा मस्त लगा। अब तुम सबका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में राय दो, वीडियो पसंद आया नहीं आया वो सब बताना कमेंट बॉक्स में, लाइक करना करो, सब्सक्राइब करना है करो, वो तुम्हारा मन है, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ यार, कास्ट का फोटो देखना चाहते थे ना, देख लो।